नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के यूनिट संख्या थर्ड में आज महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के विभिन्न प्रावधान और या विशेषताओं का आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान या विशेषताएं। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जो प्रोविज़न हैं, जो विशेषताएं हैं, उनका हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके यूनिट संख्या थर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसका आपके एग्ज़ाम में भी 100% क्वेश्चन आता है। तो भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की हम विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व की क्लास में अपने अध्ययन किया, यूनिट संख्या प्रथम में बैंक के बारे में, बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, बैंक के कौन कौन से जो वर्तमान परिवेश है उनकी क्या भूमिका रही है, और दूसरे चैप्टर में हमने अध्ययन किया भारतीय बैंकिंग अधिनियम या भारतीय बैंकिंग के विभिन्न नवाचार कौन से हैं उनके बारे में चर्चा की। इनसे संबंधित आगे हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हमने चर्चा की थी, उनसे विभिन्न सब प्रश्नों का हमने हल भी किया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के कौन कौन से उद्देश्य, कौन कौन से कारण रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के सफलता और असफलताएं कौन सी रहीं, और भारतीय रिजर्व बैंक साख का नियमन नियंत्रण किस प्रकार से करता है, उनसे संबंधित प्रश्नों का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। बाद में हमने नाबार्ड के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था भारतीय जो बैंक और ग्राहक के मध्य कौन कौन से संबंध हैं, और विभिन्न प्रकार के बैंकिंग रूल्स जिसमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर इसी क्रम में यूनिट संख्या थर्ड में विभिन्न नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, भारतीय विनिमय साध्य विलेख, चेक, प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय बिलों के बारे में हमने चर्चा की। इसी क्रम में ये आपके यूनिट संख्या थर्ड का अंतिम चैप्टर भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। ये पूरा अधिनियम RBI के तहत होने वाले रूल्स एवं रेगुलेशन पे आधारित है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया कि RBI एक्ट 1934 को बना, जो 1934 को और 1 अप्रैल 1935 को RBI ने अपनी स्थापना कर ली। उसके बाद में भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की हमें आवश्यकता पड़ी। इसकी आवश्यकता हमने क्यों पड़ी? बराबर या निरंतर बैंकों का फेल होना, उनकी अकुशल एवं संगठन व्यवस्था सुदृढ़ न होना, उनकी वजह से हमें भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 लाना पड़ा। तो ये अपनी इसकी आवश्यकता पड़ी। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम क्या है।
देखो, इसका मेन अधिनियम का जो उद्देश्य है, जो आने का, वो ये है जिससे जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनकी प्रबंध एवं संगठन संरचना आसानी से अच्छी तरह से चले और उनका नियमन एवं नियंत्रण रूल्स एवं रेगुलेशन के हिसाब से हो सके। इसलिए हमें भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की बहुत ही आवश्यकता पड़ी। अब इसके प्रावधान हम देखेंगे बिल्कुल अधिनियम साइड, तो इसकी प्रावधान विशेषताओं में प्रथम हम चर्चा करें डेफिनेशन ऑफ बैंक, बैंक की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ बैंक, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 सी में, धारा 5 सबसेक्शन सी में इसको डिफाइन किया गया है। बैंक क्या है? बैंक वह संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करे। बैंकिंग के अंदर वो चीज़ें आती हैं, या बैंकिंग वह है जिसमें ग्राहक और बैंक के मध्य लेन देन, जो ग्राहक बैंक में पैसे जमा कराता, आवश्यकता पड़ने पर बैंक उपयुक्त धनराशि ग्राहक को लौटाता है। तो ये तो बात हुई हमें बैंक की परिभाषा। तो अधिनियम में बैंक को कैसे डिफाइन किया गया है कि बैंक वह संस्था है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे, या ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो वर्किंग, जो भी बैंकिंग कार्य हैं वो करे, वो बैंक कहलाता है। तो ये तो बैंक की परिभाषा, ये भी इसकी प्रावधानों में, उसकी विशेषता में है। अगला हम बात करें बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य भी भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 6 में बैंक के कार्यों को डिफाइन किया गया है। बैंक के विभिन्न कार्य हैं जो कि मैंने आपको पूर्व की क्लास में बताया, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, सामान्य कार्य, अन्य कार्य, वो इनमें सम्मिलित है। तो बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करता है बिल्कुल नियमानुसार। अगले हम बात करें तीसरे बिंदु पर, बैंकों का प्रबंध। बैंकों का प्रबंध, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 16 में बैंकों के प्रबंध के बारे में नियमन किया गया है। बैंकों पर नियमन एवं नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई ने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, उसके तहत बैंक, कॉमर्शियल बैंक ओ जो कि आरबीआई के अंडरटेकिंग में आते हैं या संस्थागत बैंक होते हैं, वो कार्य करते हैं, वो बैंकों के प्रबंध की श्रेणी में माना जाता है। तो ये भी इसकी बैंक के प्रावधानों में, इसकी विशेषताओं में सम्मिलित है। अगले हम बात करें प्रदत्त पूंजी व रक्षित कोष। प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष, पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व फंड, धारा 11 में भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 11 में इनको डिफाइन किया है। प्रदत्त पूंजी रक्षित कोष रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित करते हैं। कोई बैंक की पेडअप कैपिटल 50,000 से 5 करोड़ तक, या उनकी विभिन्न प्रदत्त रक्षित कोष होता है जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आरबीआई डिसाइड करती है। अगला है लाभांश पर प्रतिबंध, ये भी इसकी एक प्रावधान है। बैंक कभी भी लाभांश नहीं देता है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 15 में लाभांश को प्रतिबंध किया गया है। तो लाभांश नहीं जारी कर सकता, क्योंकि लाभांश कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है, तो बैंक कभी भी लाभांश जारी नहीं करता है। तो ये लाभांश पे प्रतिबंध रहता है, ये भी इसकी भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की विशेषताओं में प्रावधान है। लाभांश पे प्रतिबंध भी इसका एक मूल प्रावधान या उसकी विशेषताओं में सम्मिलित है। अगला है संचित कोष रिजर्व फंड। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम में संचित कोष को डिफाइन किया गया है, जो कि संचित रिजर्व फंड अपने नियमानुसार वो कार्य
में ले सकते हैं। तो संचित कोष रिजर्व फंड भी इसकी विशेषताओं में सम्मिलित है। आठवीं हम विशेषताओं की बात करें, नकद कोष, इसमें धारा 17 में इसको डिफाइन किया गया है। आठवां है नकद कोष। नकद कोष भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 में कैश फंड को समझाया है, तो संचित नकद कोष भी एक मुख्य महत्वपूर्ण में आती है। अगला न्यूनतम तरल कोष, न्यूनतम तरल कोष धारा भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 24 में इसको डिफाइन किया गया है, न्यूनतम तरल कोषों को। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण है। न्यूनतम तरल कोष रिजर्व बैंक के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, कोई भी बैंक का, तो ये भी एक विशेषताओं में इसके सम्मिलित है। अगला भारत में संपत्ति, इसमें सेक्शन 25 में भारत में संपत्ति को डिफाइन किया है, जो कि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संपत्ति का उल्लेख 25 के तहत किया गया है। ऋणों पर प्रतिबंध, ऋणों पर प्रतिबंध भी भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 20 में इनको डिफाइन किया गया, क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल बैंक ऋणों का कारोबार या ऋणों पर लेन देन का कार्य नहीं कर सकता, तो ऋणों पर प्रतिबंध भी एक महत्वपूर्ण माना गया है। एक अनुज्ञा पत्र, प्राप्त करना, लाइसेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी बैंकिंग की एक शाखा का विस्तार भी कर सकता है, ये भी इसकी प्रावधानों में है। बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार धारा 22 के अंतर्गत आसानी से कर सकता है। चौथे बिंदु की बात करें, बैंकों के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा निरीक्षण का कार्य भी किया सकता है, और बैंकों को निर्देश देने का कार्य भी हो सकता है, निर्देश प्रदान करना। ये बैंकिंग सेक्टर में मुख्यतया शामिल है। अगली हम 16 विशेषताओं की हम चर्चा करें। 16 विशेषताओं में बैंकों का एकीकरण है। बैंकों का एकीकरण है, विलियम भी अपन कर सकते हैं धारा 15 में। बैंकों के एकीकरण से तात्पर्य वह है कि कोई बैंक सुदृढ़ नहीं है, उसकी प्रबंध एवं संगठन संरचना सही नहीं है, तो हम उस बैंकों को मर्ज कर सकते हैं, उनको एकीकृत कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग प्रक्रिया सही चले। ये भी इसके प्रावधानों में मुख्यतया शामिल है। वार्षिक लेखे, वार्षिक लेखे को धारा 29-30 में डिफाइन किया है। वार्षिक लेखे भी एक महत्वपूर्ण रूप से सहायक है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग प्रक्रिया होती है, उनके एनुअल अकाउंट जनरेट हमें करने होते हैं, तो वार्षिक लेखे भी एक भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में सहायक भूमिका का निर्वहन करती है। अगली हम चर्चा करें, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम में व्यवसाय का स्थगन एवं समापन। कोई भी बैंक आसानी से अपने बैंक को बंद भी कर सकती है, उसको समापन भी कर सकती है, वो भी बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 37 में इनको परिभाषित किया गया है। धारा 37 में आसानी से कर सकती है। अगला है बैंकों का निस्तारण। बैंकों का निस्तारण भी कार्य मुख्यतया 433 धारा में परिभाषित किया गया है। अगला है साझे संचालकों पर रोक। कोई भी साझेदारी का कार्य नहीं कर सकते, साझे संचालकों पर रोक का कार्य है।
साझे संसार को रोक कार्य नहीं कर सकते। एक साक्ष्य के रूप में मान्यता एविडेंस होना चाहिए जो कि धारा 49F में परिभाषित किया। निर्दिष्ट कार्य ये किसी प्रकार का विभिन्न प्रकार के निर्दिष्ट कार्य नहीं कर सकते, जिसमें है मुख्यतया भवन से संबंधित कार्य, भवन क्रय करना, कोई भी संपत्ति परचेज करना, वो कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बैंकिंग नियमन अधिनियम भारत सरकार के बैंकिंग संबंध में नियम बना सकती है, कभी भी नियमों का गठन एवं कर सकती है। तो इस प्रकार से ये भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की मुख्यतया विशेषताएं हैं। इस प्रकार ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम में इसको अच्छे से करना, क्योंकि इसका प्रश्न यूनिट संख्या 3 में आता ही आता है। तो इस प्रकार अगले वीडियो में हम यूनिट संख्या 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के बाजार्स और म्यूचुअल फंड्स, जोखिम, वेंचर कैपिटल, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम यूनिट संख्या 3 भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम में कंप्लीट कर चुके। अगले वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत यूनिट संख्या 3 में हम अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से डिमांड एनालिसिस है, उपयोगिता विश्लेषण है, मांग की लोच है, उत्पादन है, मार्केट है, राष्ट्रीय आय है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।